अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर किया था, यही फोर यूनिट फोर की थी, सिंपल लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, यही की थी ना हमने। उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज सिर्फ वन की थी यहाँ तक की, है ना। हाँ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। पहले हमने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करते हैं हम किसी दूसरे फ्रैक्शन से, ठीक है। मतलब फ्रैक्शंस का आपस में कैसे हम कंपेयर करते हैं। पहले हम अपनी कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन वन, है ना। तो अब कंडीशन वन देखते हैं हम पहला, व्हेन न्यूमरेटर्स आर इक्वल बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। जब न्यूमिनेटर क्या होते हैं, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जो ऊपर वाले सेम हों लेकिन जो नीचे वाले होंगे वो सेम नहीं होंगे, तब क्या होता है। ये कंडीशन वन ये वाली है कि ऊपर वाले सेम होंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं होंगे। इन दिस कंडीशन द फ्रैक्शन विच हैज स्मॉलर डिनोमिनेटर इज बिगर। स्मॉलर डिनोमिनेटर इज बिगर जब जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए इफ 3/2 एंड 3/4 आर टू फ्रैक्शंस देन, है ना। तो 3/2 एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन क्या 3/4, इसमें न्यूमिनेटर क्या है सेम है और डिनोमिनेटर चेंज है, तो क्या करेंगे, 3/4 विल बी स्मॉलर देन द 3/2, यानी कि इसमें छोटा कौन सा होगा, 3/2 से 3/4 छोटा रहेगा, क्योंकि इसमें टू जिसमें जो नीचे ज़्यादा नंबर होते हैं वो छोटा होता है, जिसमें नीचे कम नंबर होते हैं वो बड़ा होता है। ऊपर वाला सेम है, 3/2 बड़ा है या फिर 3/4 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 3/2 बड़ा है, 3/4 छोटा, ये स्मॉलर है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, कंडीशन सेकंड पे देखते हैं हम ज़रा, When denominators are equal in this condition the fraction which has smaller numerator will be smaller, यानी कि जिसमें जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, जिसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं और ऊपर वाला न्यूमिनेटर सेम नहीं है, उसमें जो ऊपर वाला छोटा नंबर होगा तो वो कम होगा, मतलब छोटा होगा, जिसमें ऊपर बड़ा वाला होगा वो बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 4/7 और 1/7, ये लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है और ऊपर पर न्यूमिनेटर क्या है सेम नहीं है, तो इसमें स्मॉलर कौन सा है, 1/7 स्मॉलर है और 4/7 बिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन थ्री देखते हैं, दो कंडीशन हो गई हमें, कंडीशन थ्री, व्हेन बोथ न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में से एक भी सेम नहीं है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट फाइंड ऑन द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं नीचे, मतलब जितने भी फ्रैक्शन हैं उसमें डिनोमिनेटर्स सबकी एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम के बाद एंड देन वी इक्वलाइज ऑल द डिनोमिनेटर्स बाय मल्टीप्लाइंग आर नंबर, उसका जो फैक्टर्स हमारे होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकाल लेते हैं, दैट ऑल द डिनोमिनेटर्स बिकम इक्वल टू एलसीएम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो सबका इक्वल कर लेते हैं, इक्वल करने के बाद एंड देन मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर विद दैट नंबर, उस नंबर के हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन डिनोमिनेटर्स बिकम सेम, द डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, वी कैन कंपेयर देन लाइक इन कंडीशन टू। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन टू की तरह हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो जाएंगे नीचे, फिर न्यूमिनेटर अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम ईजिली उससे कंपेरिजन हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला, कंपेयर 4/3 एंड 1/2, 4/3 और 1/2 दोनों में डिनोमिनेटर भी अलग अलग है और न्यूमिनेटर भी अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज, हम क्या करेंगे 3 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था डिनोमिनेटर के पहले आपस में हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम क्या आया इसका 3 के, अगर 3 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 2 3 6 आया हमारा इसमें, सो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन बाई 2 एंड सेकेंड फ्रैक्शन बाई 3। फिर हम क्या करेंगे, 6 निकला तो 4/3 ये वाला लिया हमने, 4/3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2 से, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, 4/2 और 3/2 इक्वल्स टू कितना आया, 4 2 8, 3 2 6।
8 अपॉन 6 आया, और फिर इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की, तो 1 into 3 इसकी इससे करेंगे 3 की 2 से करेंगे 1 into 3 यानी कि 3 2 3 6 3/6 आया। अब दोनों में सेम सेम आ गया, 8/6 हो गया एक का आंसर और एक का क्या हो गया 3/6, दोनों में 6 6 आ नीचे के डिनोमिनेटर सब में सेम हो गए। हम देखेंगे सेकंड कंडीशन की तरह, जो संख्या छोटी होगी ऊपर वाली वो वाला छोटा होगा और जो संख्या बड़ी होगी वो वाला बड़ा होगा। तो 3/6 छोटा है और 8/6 बड़ा है। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो आएगा, एलसीएम निकालने के बाद हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 4 की 2 से करेंगे 3 की 2 से करेंगे। एक की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, एक की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। पहले 4 वाले की हमने 2 से करी, 3 वाले की भी 2 से कर ली, ऐसे करके फिर आंसर आ गया हमारा, एक का ये निकला। फिर दूसरे वाले 1/2 की हमें मल्टीप्लाई करनी थी ये वाली, तो 1 की 3 से करी, यानी 1 की 3 से करी, 2 की भी 3 से करी, तो 3/6 आ गया हमारा इसका आंसर। तो 8/6 3/6 दोनों में 6 6 आ गए नीचे, फिर एक में 8/ आया, एक में 3/ आया। अब दोनों में जब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाते हैं तो न्यूमिनेटर देखते हैं किसका छोटा है किसका बड़ा है। इसमें 3 वाला ये वाला छोटा है तो ये स्मॉलर हो गया, और ये बड़ा है तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। नॉट डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब इसमें देखिए, सो द फ्रैक्शन विच है स्मॉलर न्यूमिनेटर विल बी स्मॉलर, सो इसलिए 3/6 और 8/6, इसमें बड़ा कौन सा है ये वाला, तो हमने ये साइन लगाते हैं ये वाला, जिधर की साइड होती है वो बड़ी होती है, जिधर की साइड होती है जो वो छोटी होती हैं। तो हमारा इस तरीके से निकले, कंपेयर कर दिया, एग्जाम्पल टू कंपेयर 3/8 एंड 13/36। अब 36 की और 8 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 2 1 2 2 8 16 2 4 2 1 2 3 9 3 3 9 और 3 1 3 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 3 कितना होता है निकालते हैं हम जरा, 24 3 ऐसे करके 3 4 12 का 2 कैरी 1 3 2 6 6 में 1 प्लस करेंगे 72। तो इसका एलसीएम कितना निकला 72, 8 और 3 का एलसीएम कितना निकला 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3/8 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई किया है इसमें, 3 की भी 9 से और 8 की भी 9 से, और ऊपर वाले की 13 की मल्टीप्लाई किससे की है, फिर 2 से, 13 की 2 से और 36 की भी 2 से, आंसर ये निकल कर आया। अब नीचे वाले दोनों इसमें भी देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया 72 72, और ऊपर वाला क्या आया हमारा 27 और 26, ये आया। तो इसमें बताइए इसमें स्मॉलर कौन सा और बिगर कौन सा है, सॉरी ग्रेटेस्ट कौन सा, दोनों में सेम डिजिट है, तो ये वाला हमारा स्मॉलर हुआ और ये वाला ग्रेटेस्ट हुआ, सेम इसमें लिख रखा है इसी तरीके से। समझ में आ गया आपको आंसर। आप इसमें करेंगे फाइंड आउट स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट निकालना है इनमें से, इन तीनों में से कौन स्मॉलेस्ट है कौन सा बिगेस्ट है ना। तो आप इसको भी सेम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे है ना, उसके बाद फिर इनकी फिर वो करेंगे मल्टीप्लाई, 3 की 6 से करेंगे, 4 की 6 से करेंगे, ये कर दिया हमने आंसर आ गया। फिर 5 की 4 से करेंगे, 6 की 4 से करेंगे, ये आंसर आ गया। फिर 7 की 6 से, 8 की 6 से, 3 से की गई है, इसमें इसकी की 7 की 3 से और 8 की भी 3 से की है ना। फिर आंसर हमारा ये आया। अब तीनों की निकल गई, एक में 18/24 आया, एक में 20/24, एक में 21/24, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये वाला, सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा ये, सो बिगेस्ट कौन सा है 21/4, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 7/8 आया, और स्मॉलेस्ट को 18/24, इसको सिंप्लीफाई किया 3/4 आंसर आया है ना। अब नीचे है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सिंपल से पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, इनको पहले इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये इस तरीके का आंसर निकल जाएगा, फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले जो समय छोटा आएगा वो नीचे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारे ये वाला, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी 10.2। पिक द स्मॉलर फ्रैक्शन, पहले आपको सॉल्व करना है इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, नीचे वाले के एलसीएम करेंगे, फिर एलसीएम करने के बाद जो हमारा एलसीएम आएगा फिर हम उसके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 से करेंगे, 4 की 5 से, 2 की 4 से, 5 की 4 से, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें देखना है कि स्मॉलर कौन सा और
बड़ा ग्रेटेस्ट कौन सा है, जो स्मॉलर है उस पर आप टिक करेंगे, जो ग्रेटेस्ट है उस पर टिक नहीं करेंगे। टिक द बिगर फ्रैक्शन, सेम इसी में से करें, इनको भी सॉल्व करना है, इसमें बिगर वाले को निकालना है। और इसमें कंपैरिजन दिखा रखा है 3/4 बड़ा है या फिर 7/8 है ना, तो इनका पहले नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, फिर सेम इन वालों की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा जो भी इनमें से जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का निशान लगा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर वाला जो हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर में किया है ऐसे सॉल्व करके, फिर जो बड़ा छोटा है उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पहले इनको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर सब कुछ, उसके बाद जो स्मॉलर होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिखेंगे। डिसेंडिंग में पहले बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ठीक है। सिर्फ ये छोटी सी एक्सरसाइज है 10.2, ये आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।